नमस्ते, कैसे हो आप सब। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है गोविंद टेक्निकल सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ जानकारी अपने बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम है शरद दमकंडीकर और मैं 12 साल से इंस्ट्रक्टर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सके। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बना सकूं। आज के वीडियो के अंत में एक अमेजिंग टिप आपके लिए शेयर करूँगा, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। कैलिपर, इसका मेक है मिटूटियो, इसका बेसिक प्राइस है 3200 से 3500 के बीच। जब आप ऐसे कॉस्टली इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं तो कुछ बेसिक नॉलेज इसके बारे में होना ज़रूरी है, जैसे कि आप इसे किस तरह से यूज़ करें, इसे किस तरह हैंडल करें, इसे किस तरह मेंटेनेंस या रखरखाव करें। सो मैं आज की इस वीडियो में आपको ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप इस बर्नियर को कम से कम 2 साल तक बिना कोई प्रॉब्लम के इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलते हैं आज के टिप नंबर 1 पे। तो ये टिप नंबर 1 बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए और जान लीजिए। सो टिप नंबर 1 यही है कि जब भी आप इसे वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हो तो आप इसे स्मूथली यूज़ करें, जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आप स्मूथली यूज़ करेंगे तो इसका एक्यूरेसी बना रहेगा, इसका सर्विस लाइफ इंक्रीज़ होगा, साथ ही साथ ये लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर उलट इसका आप इसे रफली यूज़ करेंगे तो इसका वेयर आउट ये मेजरिंग सरफेस वेयर आउट हो जाएगा, इससे उसका एक्यूरेसी कम हो जाएगा, इसलिए आप इसे ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये टिप नंबर 1 बहुत ज़रूरी है, आप इसलिए अच्छी तरह से समझ लीजिए और जान लीजिए। तो अब चलते हैं टिप नंबर 2 पे। टिप नंबर 2 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो टिप नंबर 2 क्या है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक प्लेट देख सकते हो, प्लेट को स्क्रू से क्लैंप किया है। फंक्शन है कि ये इस जॉ को यहाँ पे रोक देता है, इसके आगे इसे जाने नहीं देता। अगर आप इसे स्क्रूज़ को टाइट नहीं करोगे, ये लूज़ हो जाएगा और निकल जाएगा तो क्या होगा। सो स्क्रूज़ निकल जाएगा, फिर प्लेट निकल जाएगा तो क्या होगा, आप ज़रा देखिए, वही होगा जिस वर्नियर का ये हाल हो गया, ऐसा हो जाएगा और ये प्लेट ये पार्ट सेपरेट हो जाएगा, अगर गिर जाएगा तो ये स्क्रैप हो जाएगा। तो इसलिए टिप नंबर 2 समझना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 3 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप इसे टिप नंबर 3 को फॉलो करोगे तो आपका वर्नियर जो मोमेंट है ऐसे स्मूथ बना रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा वेस्ट लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बैक स्लॉट है, इसे हम बैक स्लॉट कहते हैं। जब भी आप फ्री हो तो आप इस वेस्ट से आप इसे अच्छी तरह से साफ कीजिए, इस स्लॉट में कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं ये डेप्थ स्केल है, इसको भी आप अच्छी तरह से साफ़ कीजिए। जब भी आप फ्री हो तो आप इसे अच्छी तरह से ये बैक स्लॉट और इस स्केल को अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। तो इससे क्या रहेगा, इसका आपका वर्नियर का मोमेंट ऐसे ही स्मूथ बना रहेगा। अगर आप इसे अच्छी तरह से क्लीन नहीं करोगे तो आपका मोमेंट स्ट्रक हो सकता है और ये मोमेंट फ्री नहीं रह सकता, इसलिए आप इस टिप नंबर 3 को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो अब चलते हैं टिप नंबर 4। सो टिप नंबर 4 यही है, सो आप यह देख रहे हैं, इसे कहते हैं लॉक स्क्रू। सो इसका फंक्शन क्या है, जब भी आप इसे यूज़ करते हो, जब भी आप किसी को रीडिंग को लॉक करते हो, चेक करते हो, तो इसे लॉक करना पड़ता है। सो अगर आप इसे टाइट करोगे तो लॉक हो जाएगा, आपका रीडिंग लॉक रहेगा, आप चेक कर सकते हो। सो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं इसे बहुत लूज़ कर देते हैं। सो इससे क्या होगा, ये निकल जाएगा। तो इससे अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये हो गया टाइट, और इसे थोड़ा लूज़ कीजिए। अब आप इसे कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हो, जब आप आपको लगता है ये लूज़ हो गया तो इसे टाइट कीजिए, ज़रा लूज़ कीजिए। इस तरह आप इसे मेंटेन करके रखेंगे तो आपका लॉक स्क्रू भी
रहेगा, आप बिंदास होके वर्नियर यूज़ कर सकते हो और आपका टेंशन भी नहीं रहेगा कि लॉक स्क्रू निकल जाएगा। टिप नंबर 5 है। सो टिप नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है। तो टिप नंबर 5 यही है कि आप जब भी वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हो सो आप इसे गिराना मत। अगर गिराएंगे तो ये हाल हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो आप इसका, इसे कहते हैं इंटरनल लिप्स। सो यहाँ पे टूट गए। सो अब जब वर्नियर ऊपर से गिरता है तो ये वर्नियर डैमेज हो सकता है। अभी देख रही है यहाँ पे अब निप भी कट हो गया है। तो अब क्या होगा, आप इससे इंटरनल बोर नहीं चेक कर सकते और इसका एक्यूरेसी भी, सो ऊपर से गिरने के बाद यहाँ पे डैमेज हो सकता है और इसका एक्यूरेसी भी कम हो सकता है, नहीं तो ये स्क्रैप भी हो सकता है। तो ये रहा टिप नंबर 5। सो वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि एक अमेजिंग टिप आपके लिए शेयर करूँगा। ये अमेजिंग टिप यही है कि जब भी आप किसी वर्नियर कैलिपर को या किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करते हो तो पर्सनली मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप उसे पेट्रोल से क्लीन करें। सो उससे करने का एडवांटेज क्या है कि जब भी आप पेट्रोल से क्लीन करते हो तो ये सेल्फ एवापरेट हो जाता है। सो फिर आपको क्लीन करने के उसे क्लीन से अच्छी तरह से पोंछने की या क्लीन करने की ज़रूरत नहीं रहती। इसका उलट अगर आप डीजल यूज़ करते हो, केरोसिन यूज़ करते हो तो एवापरेट नहीं होता, सेल्फ एवापरेट नहीं होता, तो आपको फिर से साफ़ सफाई करना पड़ेगा। सो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आप क्लीन करते हो प्लीज़ आप पेट्रोल से कीजिए। तो इससे क्या एडवांटेज है कि ये सेल्फ एवापरेट हो जाता है, आपको क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। सो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। सो अगर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।